हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप फ्लिपकार्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर किया है तो उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कैसे कैंसिल किया जाता है आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। तो ये रहा हमारा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे और अगर आप चाहते हैं ऑर्डर को कैंसिल करना, तो आपको यहाँ पे साइड में, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे तीन लाइन आपको दिख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप तीन लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलता है। अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा माई ऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो माई ऑर्डर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप माय ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका माय ऑर्डर्स का पेज खुल जाएगा। अब अपने जितने भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया रहेगा यहाँ पे सारे लिस्ट आपको शो करेंगे। तो अब आपको जिस भी प्रोडक्ट को कैंसिल करना है सिंपली आपको उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मुझे ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कैंसिल करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अब आपको नीचे जाना है। और दोस्तों याद रहे, जब आप ऑर्डर करें तो आप कम से कम आधे घंटे के अंदर आप उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दे, वरना ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे पैक हो जाता है या फिर शिप हो जाता है तो ये प्रोडक्ट आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है, जो कि फिर आपको कस्टमर केयर से चैट करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आता है एक कैंसिल का, तो यहाँ पे कैंसिल के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कैंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको पूछेगा आर यू श्योर, यानी कि आप श्योर हैं कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल आइटम के ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे आप कैंसिल आइटम के ऊपर क्लिक करिएगा तो अब आपसे पूछा जाएगा रीज़न। तो ये जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर आपको ऊपर में शो होगा, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो होगा और नीचे आपको लिखा हुआ रहेगा रीज़न फॉर कैंसिलेशन, यानी कि आप इसको कैंसिलेशन कर रहे हैं तो इसका एक कारण बताइए कि क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नीचे रीज़न फॉर कैंसिलेशन के यहाँ पे आपको एक एरो जैसा दिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेगा यहाँ पे आपके सामने फिर से एक तीन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपको बताया जाए कि द डिलीवरी इज़ डिले, यानी कि डिलीवरी लेट आने की वजह से आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर ऑर्डर जो मिस्टेक से आपने कर दिया है इसकी वजह से कैंसिल करना चाहते हैं, या फिर जो आपने ऑर्डर किया है वो आपके घर पर टाइम से नहीं पहुँच रहा है, थोड़ा लॉन्ग है, इसकी वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कोई भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड डिलीवरी टाइम इज़ टू लॉन्ग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप को नीचे जो कमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे आप नहीं भी करेंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर करिएगा, उसके बाद आपको एक यहाँ पे पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे बोला जाएगा कैंसिलेशन कन्फर्म, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो करिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबाइएगा।